हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक लेकर आ चुका हूँ डीजे स्टेटस। दोस्तों ये काइन मास्टर पे दोस्तों एडिट होने वाला है, जैसा कि आपने प्रीव्यू को देख ही चुके हैं कि हमने किस तरीके का दोस्तों बनाया है। तो दोस्तों आपको इस तरीके का बनाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को हमारे लास्ट तक आपको देखना होगा, तभी दोस्तों आप इस तरीके का जो स्टेटस है दोस्तों बना सकते हैं। वीडियो का एक भी पार्ट दोस्तों स्किप मत करें, नहीं तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि यार इतने वीडियो पे यार मेहनत होता है, तो आप प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों हमारे मेहनत का सफलता तभी मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं, तभी दोस्तों हमारा जो मेहनत है वो सफल होता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ यार मेहनत के लिए आप यार एक लाइक और सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आपको इस स्टेटस को क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, काइन मास्टर अप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप जाकर क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ ओपन करने के बाद। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, न्यू प्रोजेक्ट वाले भी आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ ये वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इम्पोर्ट प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ओके वाले पे दोस्तों क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके वाले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस पर चलिए हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से दोनों फिंगर से धर के यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है। जूम करेंगे तभी दोस्तों आपका इस तरीके का थोड़ा सा दिखेगा, आप फोटो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे नीला वाला दिख रहा है बैकग्राउंड, और कुछ दोस्तों ब्लैक दिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दोस्तों रेड भी दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों जो आपको नीला दिख रहा है इसमें आपको राउंड वाला वीडियो को ऐड करना है, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है इसमें आपको फोटो को ऐड करना है, जितना भी आपका ब्लैक यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी आपका ब्लैक दिख रहा है इसमें सभी में आपको फोटो को ऐड करना है। और जो तो दोस्तों ये वाला आपको दिख रहा है ये नीला वाला, तो इसमें आपको राउंड वाला वीडियो को ऐड करना है, इसमें भी आपको राउंड वाला वीडियो को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे एक गर्ल का वीडियो डांस वाला आपको ऐड करना होगा, उसका भी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जितना भी मटेरियल यहाँ पे दोस्तों यूज होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जितना भी ब्लैक है वहाँ पे फोटो को ऐड करेंगे, और इसमें दोस्तों डांस वाला वीडियो को ऐड करेंगे, जो दोस्तों दो रेड है, ठीक है, इसमें डांस वाला वीडियो को ऐड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा वीडियो को ऐड करने के लिए राउंड वाला। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस वाले पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जहाँ भी आप वीडियो को डाउनलोड किए हैं सबसे पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम ये वाला जैसे हमारा वीडियो था, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये राउंड वाला अब हमारा वीडियो आ चुका है। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे हम जाते हैं इस वाले में, यहाँ इस वाले में, इसमें भी दोस्तों वही राउंड वाला दोस्तों वीडियो को ऐड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये वाला राउंड वाला वीडियो है, ठीक है। तो वाला हमने वीडियो ले लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही दोस्तों आसानी तरीके से यहाँ पे हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी हमें करना क्या, अगर रिप्लेस वाले क्लिक करके और यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं तो उस पे दोस्तों क्लिक करके और वो वाला दोस्तों राउंड वाला वीडियो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वो वाला हमारा वीडियो आ चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, अब दोस्तों यहाँ पे रेड वाले पे क्लिक करना होगा, उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमने इस वाले वीडियो को यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको पहला दूसरा करके यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले में दोस्तों यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे पैन एंड जूमिंग पे आपको जूम पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों इसे वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये वाला दिख रहा है इस पर दोस्तों दोनों पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको नहीं रखना है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपका जो वीडियो है दोस्तों वो यहाँ से दोस्तों जूम फिर से ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे हम फिर से रेड वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा वाला वीडियो खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहला दूसरा करके वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों इस पर क्लिक करके उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जूम कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो तो लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जितना भी ब्लैक आपको दिख रहा है फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो को कैसे ऐड करेंगे तो इस पर ब्लैक वाले पे क्लिक करेंगे, उसी सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपको रिप्लेस वाले पे क्लिक करना होगा और जहाँ भी आप फ़ोटो को डाउनलोड किए हैं उस फोटो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बारीकी बारीकी से दोस्तों जितना भी आपको ब्लैक दिख रहा है सभी हम आपको फ़ोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ, आप लगा लेना। तो मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना, ठीक है। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आके आपको बताता हूँ कि आगे आपको करना क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने फ़ोटो लगाने का जो काम है यहाँ पे दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी हमारा ब्लैक था वहाँ पे दोस्तों हमने फ़ोटो को ऐड कर लिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ इफेक्ट को दोस्तों यहाँ पे ऐड किया हुआ है ताकि आपको दोस्तों परेशानी ना हो इफेक्ट ऐड करने में, आपको वीडियो एडिट करने में दोस्तों आपको आसान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक टेम्पलेट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना होगा। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए वो वाला ये वाला हमारा टेम्पलेट है, इसका लिंक भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आपको जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा, इसे हमें फुल स्क्रीन में कर देना, ठीक है। स्प्लिट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों फुल स्क्रीन नीचे कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या होगा, इस पर क्लिक करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों ब्लेंडिंग पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा कुछ इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा घट रहा है, तो आपको करना क्या होगा, इसी को दोस्तों डुप्लीकेट करने लगा, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ से लेयर से क्लिक करना है और मीडिया पर जाकर उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों डाउनलोड करने लेना, तो यहाँ से फिर से दोस्तों यहाँ पे फुल स्क्रीन में इसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फुल स्क्रीन कर लिए, उसके बाद नीचे जाएंगे ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा काम है यहाँ वीडियो का वो दोस्तों कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग वीडियो को यहाँ पे कम्प्लीट कर लिए। अब दोस्तों वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन अपने हिसाब से सिलेक्ट करके उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सेव एज वीडियो वाला भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो वीडियो है यहाँ पे दोस्तों सेव हो जाएगा गैलरी में, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके का दोस्तों वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों हमारी इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों यार वीडियो बनाता हूँ यार बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर दिया करो और वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलता हूँ एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।